यार जय श्री राम का नाम लेके निकलते हैं घर से। मैं निकल रहा हूँ दिल्ली से अयोध्या के लिए, और यहाँ पे मेरी बस जो है कश्मीरी गेट से है। अब ये मैं बहुत पहले ही निकल गया 1 घंटे, क्योंकि कश्मीरी गेट पे यार बस अड्डा जो होता है जहाँ से वॉल्वो बसेस चलती हैं, वो मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पार्किंग के आसपास होता है, और वहाँ पर आपको बहुत ही गंदा जाम मिलने वाला है। तो आपकी भी अगर बस वहाँ से है तो यार बहुत पहले निकल जाना। इस पूरे ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं दिल्ली से अयोध्या, राम मंदिर दर्शन, आपको क्या क्या घूमना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। श्री राम सभी भाइयों को, और अगर आप भी मेरी तरह प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कल से हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है अयोध्या राम जन्मभूमि पे आने की, तो उस सफ़र में अभी हम आ पहुँचे हैं, यानी अभी सुबह हो चुकी है। हमने सफ़र शुरू किया था कल रात को 8:30-9 बजे के आसपास दिल्ली से, और अब हम आ पहुँचे हैं दूसरे वाला वो दिख रहा है ना, उसमें देख सकते हो कि कई सारे ढाबे हैं बिल्कुल टोल प्लाजा के साथ जो यहाँ पे दिख रहा है। श्री राम, राम राम जी भाई, सारे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स को, सारे व्यूअर्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आप पहुंचा था अयोध्या, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही देख सकते हैं जो बयां कर रही है इस समय कि हम आप पहुंचे हैं अयोध्या नगरी में। तो सबसे पहले हमको बस ने उतार दिया था, जैसे कि आपने अभी तक ब्लॉग में देखा होगा, पीछे देव की पास करके वहाँ से आपको सरकार की ही बसें, योगी सरकार की ही बसें मिल जाती हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि वहाँ से ई रिक्शा तो चलते ही हैं, यानी आपको कहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर पूरा इस रोड पर आने के लिए, तो मेरे पीछे देख सकते हैं, इस रोड पे आने के लिए इसको कहा जाता है लता मंगेशकर चौक। तो वहाँ से आपको देव की पास जो, तो मैं को बताया देव की बाईपास जो है, वहाँ से आपको ई रिक्शा लेंगे 100 रुपये के आसपास, जो कि सिर्फ 2 किलोमीटर की है। और ये जो आपको बता रहा हूँ योगी सरकार की जो बसेस चल रही हैं, ये आपको लेंगी 10 रुपये प्रति सवारी, जो आपको मैं ब्लॉग में डाल दूंगा। तो अभी हम चल रहे हैं लता मंगेशकर चौक के आसपास। कुणाल, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आज का एक्सपीरियंस काफ़ी यादगार रहने वाला है, और हम एक एक चीज़ की खबर आपको करते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। बस अभी प्रॉब्लम एक हो रही है कि इस समय धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमने अपने चश्मे पहन लिए हैं, साथ में कुर्ते अपने स्टिच कर लिए हैं, क्योंकि यार राम जी के दर्शन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं बहुत ज़्यादा कि हमको दर्शन करने को मिल रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, आपको और जानकारी मिलती रहेगी। और एक बात ज़रूर नोट कर लीजिए कि आपको लता मंगेशकर चौक मिलेगा। अगर आप कोई होटल वगैरह के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कहाँ बुक करना है, तो लता मंगेशकर चौक में जो भी आपको होटल मिलता है आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की रेंज में ही सारे आपको मंदिर, हनुमानगढ़ी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। और ये सीधा हम अभी पहले हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमानगढ़ी मंदिर की पहले आप दर्शन नहीं करें राम मंदिर जाने से पहले, तो आपकी यात्रा सफल नहीं होती है। तो पहले हम चलते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ, उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ से बिल्कुल सीधा 900 मीटर पर पड़ जाएगा, उसके बाद हम चलते हैं राम मंदिर की तरफ। बट सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि यार रात भर के भूखे पेट ऐसे लगे हुए हैं, तो थोड़ा यहाँ का रिव्यू दे देते हैं आपको। तो भाई ये बड़ी मशक्क़त के बाद हमारे गोभी के पराठे आ गए हैं, बिल्कुल बढ़िया से स्लाइस है, प्रेजेंटेशन तो इनकी अच्छी है, चलो इसमें तो ये मार्क्स थोड़े जीत गए, बट टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा लगा दिया। अब इनको एक बार टेस्टिंग करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो छोले कुलचे भी आ गए हैं, कुलचे तो चलो थोड़े पराठे टाइप ही लग रहे हैं, और यहाँ पर हम छोले को देख लें, तो छोले का कलर थोड़ा सा येलोइश टाइप में आ रहा है, थोड़ा कैजुअल सा इनका छोले देने का तरीका। और आपको कुलचे दिखा देते हैं, कुलचे मतलब मैंने ऐसे कुलचे दिल्ली में कभी देखे नहीं है, थोड़े पराठे वाली लुकिंग आ रही है, बट थोड़े से पराठे से थोड़े हैवी लग रहे हैं। तो लीजिए भक्तों, प्रस्थान करते हैं श्री हनुमानगढ़ी की तरफ। अब पहले ही आपको एक बार बता देता हूँ, श्री हनुमानगढ़ी में आपको बहुत भीड़ मिलने वाली है, तो उसी तरह से आइएगा, उसी माइंडसेट से आइए।
पर लॉकर की सुविधा में आपका बैग वगैरह जमा हो जाएगा, फोन वगैरह जमा हो जाएगा। वहीं यहाँ पे हम देख सकते हैं सामने, तो यहाँ पे आपकी चप्पलें वगैरह जमा हो जाएंगे, जूते चप्पल जो होंगे वो सारे यहाँ पे जमा हो जाएंगे और ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। तो पहले हम अपने जूते चप्पल जमा करा लेते हैं, उसके बाद फिर लॉकर रूम में अपना बैग वगैरह जमा कराएंगे। तो हम लॉकर रूम के पास आ गए, यानी कि हम राम मंदिर के बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। और ऐसे में बस एक ही गाना याद आ रहा है जो मैं आपके सामने गा देता हूँ, युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया जय श्री राम। तो दोस्तों इसके पूर्व हमारा फोन और हमारे वॉलेट वगैरह नहीं जा सकते हैं, तो वीडियो में थोड़ा सा विश्राम देते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं, उसके बाद दर्शन कर लेने के बाद आपको फिर से वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा फोन जाने वाला है लॉकर। प्रेम कोई और न जाने। तो इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी आई थिंक 2:30 बजे के आसपास, और अब टाइम क्या और है कुणाल, 3:30 बज चुके हैं और दर्शन काफ़ी हमारे सक्सेसफुल रहे हैं राम मंदिर के, मतलब राम दर्शन काफ़ी भव्य मंदिर बना रखा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारा यहाँ पे रहा है। मतलब जिस तरीके से एक हाइप बना रखी थी कि बहुत भीड़ है, बहुत भगदड़ मचेगी, हाँ भगदड़ थी बट हनुमानगढ़ी मंदिर में ज़रूर थी, यहाँ पर राम मंदिर में भगदड़ बिल्कुल भी नहीं थी, लाइन से बिल्कुल व्यवस्था से सारा काम होता चला गया। हमने बैग कलेक्ट कर लिया है और अब हमको इस तरह का कुछ शूज़ कलेक्ट करने का जो मैंने आपको टोकन दिखाया था, अब अपने शूज़ वापस कनेक्ट करेंगे। चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कितने अच्छे तरीके से, कितने प्यारे भव्य तरीके से हमारे दर्शन। और यूँ देखिए हम कब से कह रहे हैं कि दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए, हमने दर्शन बहुत अच्छे कर लिए, पर मज़े की बात तो ये है कि दर्शन करने वाले हम कौन होते हैं, ये तो रामलला हैं जिन्होंने दर्शन हमें दिए इतने अच्छे तरीके से, जिन्होंने हमें अपने द्वार पे बुलाया, अयोध्या नगरी में बुलाया, तो हम कौन दर्शन करने वाले होते हैं, तो राम जी होते हैं जिन्होंने अपने दर्शन, अपने पावन दर्शन हमको देने का, हमको एक भक्त समझा, अपने तक बुलाया। और वीडियो में आप अभी तक बने होते हैं, आप भी सच्चे भक्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और अब हम सोच रहे हैं कि ऑलरेडी 4 के करीब तो बज गए हैं, थोड़ा सा खाना पीना करके आराम वगैरह करके एक मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग विद द सरयू घाट, वो चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मिलते हैं यस तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, sign off.